सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है तो हमने सोचा आज कुछ डिफरेंट बनाया जाए। परांठे तो रोज ही खाते हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल। तो उसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। मैं प्याज नहीं डालूंगी, आप ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, बट नॉर्मली मैं इसमें धनिया, अमचूर पाउडर, ग्रीन चिलीज और हमारे जो नॉर्मल मसाले होते हैं बस। और उसके बाद मैंने एक बाउल में ले लिया पानी और ब्रेड ले लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे अच्छी तरह। तो फ्रेंड्स आलू हो चुके हैं अच्छी तरह मैश। अब हम इसमें सारे मसाले और धनिया वगैरह सब कुछ डाल देंगे। अगर अनारदाना हो हम वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अनारदाना नहीं है तो मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, ये टेस्ट को और एनहांस कर देता है। ग्रीन चिलीज डाल सकते हो, ऑप्शनल है, बच्चे खाते हैं नहीं खाते आपके, तो आप ग्रीन चिलीज भी डाल लो। देन ऑल मसाले, नमक, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, देन मैं डालूँ सूखा धनिया थोड़ा सा। अब फ्रेंड्स सारे मसाले डल चुके हैं, अब इसे हाथ से ही अच्छी तरह हम कर लेंगे मैश। अब आलू हमने अच्छी तरह सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब हम ब्रेड रोल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे बनाना है, एक ब्रेड ली, देन इसको पानी में हाथ से ही इसे हमें सारा पानी से सोख लें। पानी सारा निकल चुका, अब इस हाथ से ही हम आलू इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, बहुत इजी रेसिपी है। फिर हम इसी को हाथ से ही रोल बना लेंगे, बहुत इजी है। ब्रेड पकौड़े तो आपने खाए होंगे फ्रेंड्स, बट ये ब्रेड रोल सबको अच्छा लगता है हमारे घर में, तो मैंने कहा यही वीडियो आपसे शेयर कर दी जाए। तो ऐसे ही मैं और ब्रेड रोल तैयार कर लूंगी। सो अब हमारे ब्रेड रोल देखिए तैयार हो चुके हैं सारे। अब कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, साथ साथ मैंने इसमें ऑयल डाला है। कोई भी ऑयल डाल सकते हो, फॉर्च्यून या जो भी आप लोग यूज़ करते हो। सो एक एक करके हम इसके अंदर ब्रेड रोल डाल रहे हैं। सो फ्रेंड्स इसको ना अभी 2 मिनट डाल के ही रखना है, और अभी बिल्कुल भी इसके अंदर कोनी नहीं चलानी, क्योंकि क्या होता है टूटने का डर रहता है। थोड़ा सा इसको गर्म होने दीजिए, नहीं आप कुछ भी नहीं करना। बस अभी हमें एक टाइम पे इसमें 5 ही डालें। हमारे धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं, ज़्यादा पूनी चलाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। बस हल्का से इसको जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए चारों तरफ से, तब हम इसे निकाल देंगे। अब ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको धीरे धीरे निकाल लेते हैं बाहर। रेडी हो चुके हैं, तो अब इसे केचप के साथ, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं हम, और केचप के साथ अब इंजॉय करें। और डू फॉलो आवर पेज दिल से कुकिंग। थैंक यू।